खाते हैं, जो रोज़मर्रा की उनकी खाने पीने की चीज़ें हैं, जिसमें घी, दालें, आटा, चीनी, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। जो हमारा पिसा हुआ तबका है, जो महदूद वसाइल वाला तबका है, उसको इस हवाले से जो है वो रिलीफ मिलने जा रहा है। और इसी हवाले से जो हमारा हेल्थ कार्ड के ऊपर जो प्रोग्रेस है, उसका भी वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो जायज़ा लिया। और आप दिसंबर के आखिर में पंजाब से जो है वो हेल्थ कार्ड अभी साहिवाल डिवीज़न और डीजी खान डिवीज़न की सारी आबादियों को पहले ही मिल चुका हुआ है। और उसका आगाज़ जो है वो लाहौर से जो है वो दिसंबर के आखिर में जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि पंजाब की सारे ख़ानदानों को हेल्थ कवर जो है वो देने जा रहे हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने, ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने, उस्मान गुज़ार साहब ने 60 अरब रुपया उन्होंने अपने सूबाई बजट के अंदर जो है वो रखा हुआ है। उस हवाले से तमाम जो मैकेनिज़म है, जो इंतजाम हैं, उसके ऊपर उनका काम हो रहा है। अब ये नहीं होगा कि किसी का कोई प्यारा, किसी का वालिद, किसी का कोई बाप, किसी की बहन, किसी का कोई बेटा, किसी की कोई वालदा इलाज ना होने की सूरत में या पैसे ना होने की सूरत से इलाज ना करवा सकें। उसके लिए मैं समझता हूँ कि रियासत खुद आगे आ रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सारी आबादी को हेल्थ कार्ड मिल चुका है, जिसका मैं समझता हूँ कि तारीफ अब दुनिया के आलमी जरीदे भी कर रहे हैं। कल भी एक बरतानवी अखबार जो टेलीग्राफ है, उसने जो पाकिस्तान का जो हेल्थ कार्ड प्रोग्राम है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को मिला है, उसकी उन्होंने जो है वो तारीफ़ की है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से किसान कार्ड जो किसानों के लिए लेकर आए हैं, और जो महंगाई है इसकी आपको वजूहात मालूम है कि दुनिया के अंदर कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये अक़वामे मुत्तहिदा की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका डेटा मौजूद है। ब्लूमबर्ग जो है वो एक दुनिया का माना ताना जो है वो बिज़नेस का जो है वो जरीदा है, वो भी इस हवाले से उसने भी बताया महंगाई का इंडेक्स बहुत ऊपर गया है। ख़ास तौर के ऊपर अगर आप चाइना में देखें तो वहाँ पर जो उनकी प्रोड्यूसर प्राइसेज हैं उसके अंदर 10.5% जो है इजाफा हुआ, और 26 साल प्रोड्यूसर प्राइसेस का चाइना के अंदर रिकॉर्ड टूट गया है। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर 50 साल प्रोड्यूसर प्राइसेस का रिकॉर्ड टूटा है। इसी तरीके से आप यूएसए के अंदरिया में इन्फ्लेशन सामने आई है। पूरी दुनिया जो है वो खाने पीने की अशिया की कीमतों से मुतासर हुई है। आप पेट्रोलियम की वो कीमतें जो पिछले साल $40 फी बैरल पर थी, 100% इजाफा हो गया, $85 फी बैरल के ऊपर पहुँच गई। मौजूदा हुकूमत ने क्या किया, हमने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर अपने टैक्सेस को कम किया। आज पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन फी लीटर जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो कि सेल्स टैक्स 8.5 रुपये के करीब है, 5.64 रुपये के करीब। पेट्रोल लेवी जो कम तरीन है, जो इसहाक डार कानून बना के गए थे कि आप 30 रुपये तक मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी ले सकते हैं, हम पेट्रोलियम लेवी भी कम ले रहे हैं। और शायद खाकान अब्बासी को ये बात एक TV प्रोग्राम के ऊपर मानना पड़ गई कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हुकूमत अगर पूरी पेट्रोलियम लेवी लगा दे, सेल टैक्स लगा दे, तो पेट्रोल जो है वो 160 रुपये पर पहुँच जाएगा। तो अब भी हम खित्ते में जो है दुनिया में बहुत सारे ममालिक से पेट्रोलियम की कीमतों में हम कम हैं। खुर्दनी तेल जिसमें हम खाना पकाते हैं उसकी कीमतों में भी 110% इजाफा हुआ। $500 पर टन वाला जो घी है वो आपका $1200-1300 के ऊपर पहुँच गया। उसकी कीमतों में भी पाकिस्तान में कमी लाने के लिए हमने जो घी मिल एसोसिएशन है उसके साथ हमारी टीम काम कर रही है, और हम अपने टैक्सेस में कमी करके 40 से 45 रुपये किलो आवाम को जो है उसके अंदर जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसने 2020 जनवरी से ये सितंबर 2021 तक 34 अरब रुपया रिकॉर्ड सब्सिडी हमने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर दी है। फिर ये हमारे पर तनकीद करें कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, तो मैं इनसे ये पूछता हूँ ये कौन सी दूध और शहद की नहरें जो है वो यहाँ पर बहा के गए थे। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल से ज़रात के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। नवाज शरीफ, जरदारी, इन सब की हुकूमतें रहीं, इन्होंने क्या तवज्जो दी? इनकी तवज्जो तो जाली अकाउंटों पर, पापर वालों पर, फलूदे वालों के ऊपर थी या बैरून मुल्क फ्लैट्स बनाने के ऊपर थी। आज इमरान खान आए हैं जिन्होंने आके ज़रात पर तवज्जो दी, और आप देखें पिछले साल की बनिस्बत अभी जो हमारी खरीफ की जो हमारी फसल आ रही है इसमें गन्ने की फसल है 25% इजाफा इसमें हो चुका है। आपकी मकई की फसल में इतलात के मुताबिक 18% इजाफा हुआ है। हमारी चावल की फसल के अंदर 18% इजाफा, और कॉटन जो आपको पता है कि हमारी डायरेक्ट टेक्सटाइल्स की
एक्सपोर्ट के साथ मुंसलिक है, पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है, जो पिछले साल 5.7 मिलियन बेल्स के ऊपर थी, आज वो 9.5 मिलियन बेल्स को क्रॉस करके 60% तकरीबन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खास तवज्जो दी है ज़राअत के ऊपर। हमारा यूरिया 1700-1800 रुपये में बिक रहा है, हमने फैसिलिटेट किया, गैस के ऊपर सब्सिडी दी। दुनिया के अंदर वही यूरिया का रेट अगर आप इंपोर्ट करने जाएं तो 7000-8000 के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान आज भी उसमें खुद कफील है, हमारे किसान को वो सस्ता मिल रहा है, दुनिया से 5000 रुपये जो है वो यहाँ पर कीमतें कम हैं। तो हमने ज़राअत के ऊपर भी काम किया और हमने मुल्क की बरामदात बढ़ाने पे भी काम किया। कहते हैं जी मईशत नहीं चल रही, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपको याद है जो इसहाक डार मईशत छोड़ के गए थे, मुल्क की एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी थी, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर के ऊपर खड़ा था, हमारी जो तरसीलात ज़र थे नून लीग के दौर में वो 18 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद थे, हमारी IT की एक्सपोर्ट जो हैं वो 1 अरब डॉलर से कम थी। ये 2018 का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। आज आप अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल 25.4 बिलियन के ऊपर थी और उसमें सर्विसेज ऐड कर दें तो ये 31 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच जाती हैं। इसके अलावा हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो 29.5 अरब डॉलर के ऊपर गई। और अभी अगर मैं आपके सामने फिगर्स रखूँ पिछले 3 महीने की अपनी मईशियत के, तो हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो 8 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद हैं 3 माह के अंदर। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी 7 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पहले 2 माह के अंदर 7.5% इजाफा हुआ, अगस्त के अंदर जो है वो 12.5% वो हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन से जो है वो ज़्यादा है, और वो 1395 अरब यानी कि हमारा जो अपना टारगेट था उस टारगेट से भी जो है वो हमारी उसमें ज़्यादा है, हमारी जो टैक्स कलेक्शन है इस हवाले से। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये हकायक रखना चाहता हूँ कि हमने फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर बेशुमार इजाफा किया, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को 28% बढ़ाया पिछले साल की बनिस्बत, FBR में हमने 38% जो है वो बढ़ाया है, एक्सपोर्ट्स में 27.5% हमारा इजाफा हुआ है और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 28% हमारा उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। तो ये वो हमारी मईशियत के इशारे हैं और जो हमारी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। हम मुल्क को एक सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर लेके जा रहे हैं। इनकी तरह क्रेडिट कार्ड मांगे तांगे की ग्रोथ नहीं थी कि उधार ले लेकर कर्ज ले लेकर आप कहें कि आपकी तरक्की हो गई है। तो तरक्की वो है जो आपकी पैदावार बढ़ा के हो, आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के हो। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क को सही सिमत की तरफ लेके जा रहे हैं। मुश्किल वक्त आया हमारी सैलरीड क्लास के ऊपर, हमारा जो कम वसाइल वाला तबका है, आलमी सतह पर महंगाई बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है। हमने उनके लिए फौरी तौर के ऊपर जिस तरह कोरोना के अंदर आपके इलम में होगा कि पूरा पैकेज हुकूमत लेकर आई थी, उसमें हमने कैश फ्राहम भी किया था, उसके अंदर हमने इंडस्ट्री को भी सहारा दिया था। इसी तरीके से इस मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फौरी तौर के ऊपर फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोगों को कैश जो है कार्ड्स के जरिए उनको राशन के हवाले से जो है सब्सिडी फ्राहम करेंगे। तो ये वो इकदाम हैं। तो मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन का जो एहतजाज आज ये अपना एहतजाज कर रहे हैं, ये किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज इस बात पे ये कर रहे हैं कि ये बेरोज़गार हैं, ये सियासी बेरोज़गारों का टोला है जिनका आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई एहतजाज इन्होंने नहीं किया। 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोड शेडिंग की इंतहा थी, महंगाई की इंतहा थी, वहाँ पर आटे का बहरान था, नून लीग ने कोई एहतजाज नहीं किया था। फजल रहमान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 13 से 18 नून लीग की हुकूमत में बदतरीन करप्शन हुई, बदतरीन जो है वो गवर्नेंस की हालत थी, पीपल्स नून लीग की कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थे। क्यों इमरान खान ने ना खुद खाना है ना इनको खाने देना है, ना इनको एहतसाब के मामले में इनको कोई NRO मिलना है, लिहाजा ये इधर उधर की टमक टोइयाँ जो है वो मारते रहते हैं। तो मैं इनको जो सियासी बेरोज़गारों से जो है वो तशबीह देता हूँ, इन्होंने जो एहतजाज करने हैं, जुलूस करने हैं, ये अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो अवाम का है उन्होंने ही अवाम को जो है वो रिलीफ फ्राहम करना है, जिसके लिए हम ये इकदाम लें। पेट्रोल, बिजली, गैस, दालें, चीनी सब कुछ महंगा हो गया, तो जब ये महंगे होते हैं पेट्रोल और बिजली तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाती है। प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं महंगाई पर इजलास करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी करते हैं,
हर रोज इजलास तो इजलास रहता है, अमली तौर पर कुछ ऐसा नहीं आ रहा, गरीब तो मर गया। नहीं देखें, जहां तक रही बात अमली तौर के ऊपर आपने बात की, जब मैंने आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं वो इंतजामिया का काम है, उस हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। दूसरी जानब जो अमली तौर पर इकदाम है, अमली तौर के ऊपर जो हम फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं उसकी हमने तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली, डेटा हमारे पास मौजूद है, उसका आगाज़ हम नवंबर से जो है वो करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर जो है वो सूबा पंजाब शामिल हो चुके हैं। हमने जो है वो सिंध हुकूमत को भी ये कहा है कि 13 साल से आपकी भी हुकूमत है, आपकी भी जिम्मेदारी है, वहाँ पर अगर पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 का है तो सिंध में कराची में वो 1500 रुपये में क्यों बिक रहा है, आप भी इस फूड सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बने। बलूचिस्तान हुकूमत को भी हमने कहा है, तो आप ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ी जो हमारा उसको हम ये सपोर्ट फराहम करेंगे। और इसके अलावा जो आपने बात की बिजली के ऊपर, मैं इन लोगों को कौमी मुजरम कहता हूँ। कौमी मुजरम इस वजह से कहता हूँ कि इस मुल्क में 1967 के बाद कोई डैम नहीं बना, वजीर आजम इमरान खान आज 10 डैम बना रहे हैं, आने वाले सालों में आएगी जो कि सस्ती बिजली होगी, उससे आपकी एनर्जी मिक्स ठीक होगा, बिजली के रेट्स नीचे आएंगे। इसके अलावा बिजली बनाएं या ना बनाएं, ये मंतक मैंने आज तक नहीं सुनी कि बिजली बनाओ ना बनाओ, बिजली खरीदो ना खरीदो, आपने उसका किराया देना है कैपेसिटी पेमेंट की मद में, 800 अरब रुपये आपने आज अदा करना है, 2023 में वो 2500 अरब हो जाएगा। जो माहदे इन्होंने किए हैं वो माहदे हमारे आड़े आए हुए हैं, लिहाजा ये वो अवाम के गले में फंदा करके गए हैं, जिसको इमरान खान उस फंदे से अवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फरमाएगा कि अभी वजीर आला सिंध ने जो है वो टॉक किया है और उन्होंने कहा है कि महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है कि गधे बैठे हुए हैं जिनको इसका एहसास नहीं है। देखें बात ये है कि वजीर आला पंजाब, वजीर आला सिंध जो है वो सिर्फ टॉक ही करते हैं, टॉक के अलावा जो है वो कोई अमल नहीं करते, और टॉक करते हैं, मैं उनको कहूंगा ये टॉक और कैट वॉक ये दोनों छोड़ें और सिंध को ग्राम फरोशों से बचाएं, सिंध को टैंकर माफिया से बचाएं, सिंध के लोगों को वो जो सरकारी गोदामों में 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है वो 18वीं तरमीम के बाद ये कीमतें हैंडल करना ये सूबों का काम है, आप उनको हैंडल करें, क्यों नहीं हैंडल आप करते वहाँ पर? वहाँ पर पिछले साल इनके गोदामों में 14 अरब रुपये की गंदम चोरी हो गई, और आपको याद है कि इन्होंने कहा ये चूहे खा गए, ये जो चूहे बिलावल हाउस के अंदर बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भर रहे इस गंदम को खा खा के, वो गंदम सिंध की आवाम को दें ताकि वहां भी लोगों को जो है वो रिलीफ मिले। ये बताइएगा, जितनी मर्जी आप काबिले दे लें महंगाई का, ना अभी कोई नई फसल आई है ना कोई ऐसी चीज में पड़ रहा हूं, असल आपका इशू है गवर्नेंस का। गवर्नेंस पर आपने वो पॉलिसी ली है कि अगर बाजार पे आप काबू नहीं कर सकते तो हम आपको सब्सिडाइज चीज दे देते हैं, बाजार को छोड़ दें। पीटीआई गवर्नमेंट अशिया खुर्द रोज की कीमतों को काबू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स कब उठाएगी? देखें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं वो हमने उठाए हैं, मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें, आपने कहा कि अभी बाजार में फसलें नहीं आई, ये आपका जो गन्ने की फसल है आपकी तैयार है, ये आप अक्टूबर एंड के ऊपर मौजूद है, नवंबर के ऊपर जो है उसकी क्रशिंग शुरू हो जाएगी, हमने पाबंद बनाया है तमाम शुगर मिल्स को इस हवाले से। दूसरा बुनियादी चीज़ ये है कि आपका आपकी प्याज की फसल देख लें, वो हमारे पास इजाफी है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतों के अंदर कमी भी आई है। दालें हम 70% इम्पोर्ट करते हैं, पहली बार पाकिस्तान मूंग की दाल भी इम्पोर्ट करता था, मूंग की दाल के अंदर भी जो है वो हम सरप्लस हुए हैं। 22 करोड़ एकड़ ज़मीन पाकिस्तान के पास मौजूद है, 5 करोड़ एकड़ ज़मीन काबिले काश्त है, ये किसी को पहले ख्याल नहीं आया, ये इमरान खान को ख्याल आ रहा है। ऑलिव्स इस मुल्क के अंदर जो उसकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं, पोठोहार में, आपकी नॉर्थ वजीरिस्तान में, बलोचिस्तान में 1 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने उसके लिए रखा हुआ है, उसकी अफजाइश जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑलिव्स की वो पैदावार को बढ़ाने के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को फूड डेफिसिट कंट्री से गजाई खुद कफील मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देखेंगे ये जो आइंदा हमारी गंदम की फसल भी आएगी मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, उसके अंदर भी इंशाल्लाह आपको रिकॉर्ड इजाफा नजर आएगा, और पाकिस्तान जो है वो फूड इंपोर्ट से जो है वो फूड सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। और आपको ये बात भी ख्याल रखनी चाहिए कि सालाना हमारी आबादी में 2.5% इजाफा हो रहा है, 50 से 60 लाख लोग जो हैं वो सालाना हमारी आबादी के अंदर इजाफा हो रहा है, उनकी ज़रूरियात भी हैं,
उनको घर भी चाहिए, उनको खाने पीने की अशिया भी चाहिए। तो हुकूमत इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है, हमारा लाहे अमल बड़ा वाजे है और हम आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फुल अपनी जो है वो तमाम तवानाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताएं कि आज पीडीएम ने देखें जाम कमाल साहब का मामला जो है वो बाप पार्टी का एक इंटरनल मैटर है और मैं समझता हूं कि उन्होंने उसको जो है वो सॉर्ट आउट करना है, तो उसके ऊपर जो उनकी पार्टी फैसला करे। मुलाकात आपकी हो गई, अब नोटिफिकेशन का इंतजार है, वो कब तक आ पाएगा? और भी बड़ा इत्तेजाज हो रहा है। और बताएं कि पीडीएम ने एक आज जलसा किया है, प्रवेश राय भी पंजाब की हुकूमत पे तंकीद करते हैं, उन्होंने डेंगू की परफॉर्मेंस पे भी तंकीद की कि पंजाब हुकूमत जो है डेंगू को खत्म नहीं कर रही। तो क्या आपको यकीन है कि इत्तेहादी जमातें आपके साथ रहेंगी आगे से? देखें जो हमारी जहाँ तक रहेगी बात हमारी इत्तेहादी जमातों की, तो इत्तेहादी जमातों का हमारा इत्तेहाद जो है वो पक्का है और इत्तेहादी जमातों को हम बिल्कुल अपने साथ हमेशा जो है वो साथ लेके चलते हैं और इत्तेहाद जो है वो उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा जो है वो मौजूद नहीं है। जहाँ तक रहेगी बात डेंगी के हवाले से तो मैं हसन सावर साहब को कहूँगा आसान को तो बहुत हो गई, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार है। हुकूमत क्यों अपने लिए मुश्किल हर काम में जिसमें हाथ डालती है वो उनके इसमें ये ऐड कर नोटिफिकेशन होगा भी इसमें ये चीज़ का।